Please subscribe my YouTube channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एवरी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने हेडिंग डाल दी रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं पारस्परिक प्रमेय या फिर व्युत्क्रम प्रमेय। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझने के बाद हम एक एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा इस वीडियो को इस जो टॉपिक को समझाने वाले। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अब व्युत्क्रम थ्योरम यानी कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती क्या है, तो मैंने जैसा कि आपके सामने दो डायग्राम सर्किट बना रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको दोनों में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा होगा। ये जो 6 ओम का है रेजिस्टेंस, ये 7 और ये 5, इसी प्रकार इनमें भी तीनों ओम सेम है और वोल्टेज जो मैंने ली है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोलैरिटी चेंज कर ली है, यानी कि इसका ध्रुवणता चेंज हो गई है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी पोलैरिटी चेंज कर ली है, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने वोल्टेज सोर्स को बदल दिया है और जहां पर करंट नोट करना है यानी कि जो एमीटर है उसको भी मैंने बदल लिया है। यहाँ पर बेसिकली मैंने एमीटर नहीं लगाया है क्योंकि इसकी जगह आप लोड भी लगा सकते हो या फिर कोई भी बल्ब लगा सकते हो इंटेंसिटी देखने के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, कोई भी करंट मेजर करने वाला सोर्स है। तो इसकी जो डेफिनेशन या फिर इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट ये होता है कि जब किसी सर्किट में किसी वोल्टेज एमीटर तथा दो या दो से अधिक प्रतिरोधों से युक्त किसी सर्किट को सर्किट में अगर हम उनके वोल्टेज सोर्स को और एमीटर सोर्स को दोनों को इंटरचेंज करके मेजर करते हैं एमीटर पर, तो हमारे पास जो करंट आती है वो दोनों ही केस में सेम आती है। क्योंकि देखे यहां पर हमने इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो सेम आएगी, अभी हम एग्जांपल में देखने वाले। फिर यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया तो जो करंट एमीटर में आएगी यानी ए और बी दो पॉइंटों के बीच में वो आपके पास करंट सेम आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज सोर्स और एमीटर सोर्स को अगर इंटरचेंज कर देते हो तो जो आपकी जो करंट आएगी कोई भी दो पॉइंट के बीच में तो वो करंट आपकी सेम आएगी, वो करंट अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने सर्किट बना रखा है, इसमें बेसिकली मैं ए और बी के बीच में करंट को मेजर करना चाहूंगा। तो अगर आप देखना चाहे तो ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि जो ये 5 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट आ रही वो बेसिकली दो भागों में बढ़ गई है, एक तो 7 ओम वोल्ट के रेजिस्टेंस ओम के रेजिस्टेंस में और ये 6 और एक 6 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो 5 ओम है ये दो भागों में बढ़ रही है 7 और 6 ओम में, तो इन दोनों का क्या हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये 5 को सीधा प्लस में लिख दो, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी 6 और 7 को पैरेलल लिख दिया। अब पैरेलल को सर्किट में कैसे हल करते देखिए, पिछले वीडियो मैंने बताया था थेविनियन प्रमेय जब बताई थी तो भी बताया था, इसमें बता रहा हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप थेविनियन थ्योरम देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम भी डाल रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए दोनों वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और नीचे इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं 6 प्लस 7, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 6 और 7 42 अपॉन 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप भाग लगाओगे तो 3.23 के लगभग आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 8 टोटल आपके पास जो इस पूरे रेजिस्टेंस में 8 टोटल था वो आपके पास आ गया 8.23 ओम, इसको ओम लिखना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम कि आपको आई टोटल याद करना, यानी कि इस पूरे ही जो सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है वो याद करनी, तो वोल्टेज अपॉन क्या रेजिस्टेंस, ठीक है ओम के नियम से होता है वोल्टेज यानी आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई 10 वोल्टेज अपॉन 8.23 जो कि अभी आपने रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब इसका भाग लगाओगे तो लगभग आपके पास 1.22 एम्पीयर के लगभग आ जाए। ठीक है, अब आपका मेन काम यह है कि जो दो पॉइंट ए और बी इनके बीच में आपको करंट मेजर करने, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि देखिए इसको मैं अभी थोड़ा मिटा देता हूं आपको सही बताने के लिए। देखिए इसके लिए हम करेंगे कि आई टोटल से गुणा करेंगे, सबसे पहले आई टोटल गुणा में लिख दो आप। ठीक है, अब क्या करो कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में आपको करंट मेजर करने, तो इसके
जस्ट सामने आप देख सकते हो कि 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट सामने 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको ऊपर की ओर लिखना है आपको। इसको क्या लिखना है दोस्तों, आपको ऊपर की ओर लिखना है, ये लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, बाकी जो बचे दोनों रेजिस्टेंस उनको नीचे जोड़ में लिख देना। क्या लिखना है, जोड़ में 5 प्लस 6। तो अगर एक स्टेप और बढ़ावे, आई टोटल कितना 1.22, ये हो गया 6, 5 और 6 ये 11 हो गया, सॉरी दोस्तों 5 और 6 ये 11 हो गया। अगर आप इसको करंट लगा के मेजर करोगे तो आपके पास 0.56 एम्पियर वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंटरचेंजिंग करंट कितना होता है। अगर अब हमने इंटरचेंज कर लिया तो इसमें भी आपको क्या करना, आर टोटल याद करना है। आर टोटल याद करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, ये आपके करंट की पोलैरिटी चेंज है, यानी कि ये करंट इसमें गया, उसके बाद इसमें गया और टोटल यहां पर आ रहा है। ठीक है, टोटल इस रेजिस्टेंस से होकर आपको करंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इस रेजिस्टेंस से करंट आपको मिल रहा है तो अलग वाले को सीधा यहाँ प्लस में लिख दो, फिर बाकी जो दोनों बचे उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन, 5 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये भी 5 × 6 ऊपर गुणा और नीचे प्लस, तो 5 6 30 अपॉन 11 ये हो गया आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस था 9.33। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आई टोटल याद करना, यानी कि पूरे जो ये आपका सर्किट है उससे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है ओम के नियम से V अपॉन R होता है, V बैटरी है 10 वोल्टेज की, अपॉन R क्या है 9.33 आया अभी आपके पास। ये देखिए, अब अगर आप भाग लगाओगे तो आपके पास 1.03 एम्पियर ओम आएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपको I ज्ञात करना है, इन दो पॉइंटों के बीच में करंट मेजर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि I टोटल I टोटल इंटू जो इसके सामने, इन दोनों पॉइंटों के बीच में करंट मेजर करनी, इसके सामने जो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर की ओर प्लस में लिख दो, उसके बाद जो दोनों ये 5 और 7 है बचे हुए उनको जोड़कर लिख दो, यहाँ पर ये 11 आएगा। सुन दोस्तों, 6 upon 1.22 ये आपके पास आएगा दोस्तों, 6 ओम है वो तो ले लेना है। आपको क्या करना है कि एक लूप बनाना है जिसके अंदर बैटरी के पास वाला लूप नहीं लेना है, बैटरी से जस्ट दूर वाला लूप लेना है। ये देखिए, ये मैंने ये वाला लूप ले लिया, इसके सामने 6 ओम था, इसको तो मैंने ऊपर लिख लिया, अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखने के लिए आपको क्या करेगा दोस्तों, नीचे लिखने के लिए आपको इस लूप में जो भी ओम कंसिस्टेंट है उन दोनों को लेना पड़ेगा। तो 7 और 6 ओम ये कितने हो गए, 7 6 प्लस 7 ओम, आगे इसको हल करोगे तो ये नीचे 13 आ गए, और टोटल आपके पास 0.56 करंट आएगी जो कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में मेजर होनी चाहिए। अगर आपने इंटरचेंज किया तो फिर मैंने आर टोटल करना बता दिया था, यहाँ पर ये 9.33 आ गया, फिर आई टोटल बता दिया था कि वी बाय आर होता है, उसके बाद ये 1.03 हो गया। ठीक है दोस्त, और अगर आपको आई ज्ञात करना है तो आई टोटल, ये आई टोटल इंटू आपको बैटरी के पास वाला लूप नहीं लेना है, तो ये मैंने बैटरी के पास वाला लूप नहीं लिया है, और इस दोनों पॉइंटों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर लिख दिया, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो बाकी जो बचे हुए हैं दोनों इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस उन दोनों को नीचे जोड़ में लिख लिया, ये मैंने जोड़ में लिख लिया, तो यहाँ पर आई टोटल 1.03 आ गई थी, और ये 6 upon 5 plus 6 हो गया। अगर इसको हल करेंगे आप तो 0.56 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरे वीडियो आने वाले हो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे।